अब इसको ओके करो पहले एक बार, फिर ओके करना। कर दिए सर। हाँ अब कंपाइल करो। अब हमें कहीं पे भी कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, नथिंग। कोई क्लास पास करने की ज़रूरत नहीं है। क्लोज कर दो पहले सीएमडी, क्योंकि ये पुराना उठाएगा ना, नए चेंजेस थोड़ी नहीं हाँ उठाएगा, नया हमने क्लास पास जो सेट किया था। हाँ कंपाइल हो गया सर। होगा क्यों नहीं कंपाइल। अच्छा ये मुझे बताओ, जावा सी का कौन सा वर्जन है तुम्हारा? जावा सी का सर 8.1.8 है सर। अच्छा 1.8 है ना। सीएमडी ओपन करो, सीएमडी लिखो जावा सी हाइफन वर्जन, जावा सी हाइफन वर्जन। जावा सी आईफोन ठीक है फिर, बढ़िया है। कोड कंपाइल कर दिया? हाँ सर। कंपाइल करके इसका बाइट कोड कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया सर। इसको ले जाओ उसके वहीं पे वेब एप्स के अंदर। बाद उसके अंदर ग्लोबल वेब आए ना, के क्लास अंदर यहाँ पेस्ट कर दो। उसको क्लास में डिलीट कर दिया ना। इसको ठीक है, पेस्ट कर बैक बैक करना जरा। सर। और यूआरएल पैटर्न में स्लैश लगाया था, दिखा जरा वेब डॉट एक्सएमएल में। वेब डॉट एक्सएमएल ओपन करना, हाँ सर ये शायद नहीं लगाए। स्लैश लगा दो ना। ये स्लैश का हाँ मतलब देखो, स्लैश का मतलब होता है यहाँ रूट डायरेक्टरी, समझे? अगर स्लैश लगाते हो तो इस स्लैश के माध्यम से जो हमारा मतलब जो कंटेनर है, अपाचे का कंटेनर है, वो हमारे सर्वलेट को डायरेक्ट क्लासेस फोल्डर से ही लोड कर लेता है ना, रूट डायरेक्टरी। और नगर रन दोगे तो वो थोड़ा सा कई बारी तो अपाचे में प्रॉब्लम आती है ये। चलो ठीक है, ओके करके चलाओ। सर ये हमारा क्लास का नाम होगा ना सर, जो क्लास हाँ बनाए हमने, जो हमने क्लास बनाया उसी क्लास का नाम होगा हमारा सर्वलेट। हाँ और सर ये यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं, अब इसको बंद करो पहले, तुम चला लो, फिर मैं बताता हूँ इसको, पूरी कहानी है सब समझाऊंगा। उसके बाद अब सर्वर चालू करो। अरे 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 क्या खुल गया। और किसी को कोई समस्या आई? कुलदीप, सुमित, चला कि नहीं चला? अरे यार तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो भाई, तुम ही लोग ऐसे बोल रहा हूँ, बोलना चाहिए ना। जो 3 बार पूछ चुका हूँ जब से सर तुम। मेरे सर थोड़ा सिस्टम सर थोड़ा ओवरहैंग कर रहा है, इसलिए मैंने डिस्टर्ब कर दिया। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, किया नहीं किया बोल दो कि सर अभी नहीं किया, करना है जो भी है। करना है मुझे भी। हाँ तो ठीक है, तो बोल दो कि सर अभी प्रैक्टिस करना है मुझे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किया नहीं किया प्रैक्टिस। स्क्रीन आ रही, हाँ स्क्रीन नहीं आ सर, रही थी क्या स्क्रीन नहीं दिख रही है? सर। स्क्रीन सेव, नहीं हुआ एक ग्लोबल लोकेशन थोड़ी ना होगा, ग्लोबल स्लैश रन लिखो, प्रोजेक्ट का नाम स्लैश। सर। नहीं ले रहा है सर। सर्वर तुम्हारा चल ही नहीं रहा है, सर्वर कहाँ चलाए हो तुम? मैंने चलाया बगल में, बगल में, ये बगल में, इसके बगल में, यहाँ ये, हाँ ये है ना अपा, ये अरे जावा नहीं दिख रहा है, जावा का सिंबल ये पता नहीं, तुम जानो, तुम्हारे तुम्हारे सामने। हाँ ये ये, हाँ इसको ओपन करो, वहाँ देखो एरर क्या दिखा रहा है, ऊपर करो थोड़ा सा होम पेज लॉन्च होके आया था कभी? तुम्हारा होम पेज चला था?
क्या होम पेज मतलब? टॉमकैट का होम पेज चला था। हाँ सर मैं दिखाता हूँ फिर से क्या चला था। जैसे कि इसको हमने किया यहाँ पर, हाँ पहले हम स्टॉप कर देते हैं जो चलाए थे शूट डाउन। ये हो गया शूट डाउन, अब मैं स्टार्ट करता हूँ सर। चला यहाँ पर लिखा है सर्वर इज स्टार्ट। ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको देता हूँ क्या कर रहे हो? हेलो हेलो सुमित, आवाज आ रही है तुम्हें? नजर आ रही है ये किसका क्यों रुक गया है? सर, इसका हैंग हो गया है, हैंग हो गया इसका सिस्टम। सर ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं क्या? हाँ, ये हमने अभी लास्ट टाइम पे हमने वो पढ़ा था, सर्वलेट जो पढ़ा था उसी को देख रहे हैं हम। प्रोजेक्ट मतलब वेब प्रोजेक्ट चला रहे हैं, वेबसाइट वगैरह। सर मेरे में सर जो बैच फाइल है ना टॉमकैट की स्टार्टअप, वो ओपन नहीं हो रही, करता हूँ तो अपना कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, दिखा देना। सर नहीं चल रहा है सर, स्क्रीन शेयर करो फिर से। देख, शेयर किया सर मैंने। नहीं, फिर से करो शेयर ना। रुको रुको 1 मिनट। हाँ आ गया आ गया। आ गया रुको, क्या नहीं चल रहा है? होम पेज ही नहीं चल रहा है। हाँ। जैसे कि इसको सर मैं इसको क्या कर देता हूँ फिर से मैं स्टॉप हाँ शट होम पेज ही डाउन। नहीं चल रहा है तो सर्वर ही नहीं चल रहा है। तो तुम सर्वर चला के देखा था लास्ट टाइम पे? जब हाँ चला था सर लास्ट टाइम पे सर, सर्वर ही नहीं चलेगा तो प्रोजेक्ट कैसे चलेगा? तब तो चल रहा था सर। तब चल रहा था जब ये वाला बनाए सर, ये आगे वाला प्रोजेक्ट, तब ऐसे हो रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल क्या रहा पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा। सो ये लिखना पड़ा लिखना URL लोकल होस्ट कॉलन 8080 लिखो, उसके बाद बस एंटर मारो। चल दो रहा है पाँच है। उसके बाद स्लैश यस उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम लिखो ग्लोबल, उसके बाद और क्या उसके बाद? क्या प्रोजेक्ट पहले रन करो, प्रोजेक्ट तो रन हो के आना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे पास कोई इंडेक्स पेज नहीं होगा। देखो, अगर तुमने लिखा लोकल होस्ट 8080, ग्लोबल हटाओ, ग्लोबल हटाओ, तो तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम था है ना, हाँ और एंटर मारा, तो इससे ये पता चल जाता है कि भैया हमारा सर्वर सक्सेसफुली चल रहा है हाँ ना, अपाचे टॉमकैट हमारा अच्छे से चल रहा है। लेकिन हाँ लेकिन अगर तुमने यहाँ पे स्लैश लगा के अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा और कुछ भी नहीं रन हो रहा है, तो हाँ इसका यही मतलब होता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई डिफॉल्ट पेज अवेलेबल नहीं है। डिफॉल्ट पेज नहीं है तुम्हारे पास। सर पेज तो होना चाहिए सर, मैंने रखा था। इंडेक्स इंडेक्स नाम से पेज नहीं है डिफॉल्ट पेज। नहीं नहीं हो ये नहीं हो सकता सर, मैं
रखा था और अभी ये क्या है सर? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है तो तुम्हारा? इसको खोल के देखते हैं सर है ना ना, खोल खोल के क्या देखना है इसमें। हाँ ऐसे ही ओपन कर लो, ओपन विद। टेस्ट तो है। नहीं चलना चाहिए। हाँ जरा मिनिमाइज करो, एक मिनट देखता हूँ, इसको बंद करो। ग्लोबल ग्लोबल लिख रहे हो तो क्या एरर आ रहा है? सर्वर पे कुछ एरर दिखा रहा है क्या? हाँ सर्वर पे सर्वर कुछ पे नहीं, कुछ नहीं जी। चलो एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, एक नया फोल्डर बना लो। इसको बंद क्यों करते हो, हमेशा क्यों बंद कर देते हो? बार बार सर्वर बंद करोगे, स्टार्ट करोगे, रिस्टार्ट करोगे। चलो दोबारा ट्राई कर लेंगे हम, है ना? हाँ मैं सर अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अब मैं आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। उसको तुम्हारे सिस्टम में नहीं चल रहा है, कुछ होगा प्रॉब्लम, देखते हैं।